दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा हो या फिर यूपी, या हो फिल्म नगरी मुंबई, हर जगह प्रदूषण से बुरा हाल है। लोगों का सांस लेना दुश्वार है और बीमारियों की बौछार है। जी हां, देश के कई राज्यों में इन दिनों प्रदूषण का जहर इस कदर बढ़ रहा है कि अब लोगों की जान पर आ बनी। दिल्ली समेत देश के बाकी राज्यों में प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली NCR में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। पिछले 7 दिनों में यहाँ की वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI बहुत खराब स्तर में 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। इस तरह की वायु गुणवत्ता को सेहत के लिए कई प्रकार से नुकसानदायक माना जाता है। अगर विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 15 से 20 दिनों तक यहाँ इसी तरह की स्थिति बन सकती है और ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट रहने और बचाव को लेकर उपाय करते रहने की आवश्यकता है। वहीं हरियाणा समेत बाकी राज्यों में भी हाल कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले दिल्ली की ये तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रदूषण के चलते सब कुछ धुआं धुआं सा है। सुबह से दोपहर कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। हालात तो ऐसे हैं कि दिल्ली के कई शहरों में अब AQI 500 के करीब पहुंचने की कगार पर है। तो चलिए ज्यादा बातचीत के लिए कि आखिर दिल्ली में किस तरीके के हालात पॉल्यूशन को लेकर बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो हर तरफ धुआं धुआं है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, आमजन परेशान है और सरकार भी अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे राजा। और बिल्कुल देखिए, बेहद चिंताजनक हालात हैं। जिस तरीके से अभी सुबह का समय है और कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां पर 400, 450 और 475 के करीब जो AQI लेवल है वो दर्ज किया गया है। ये सरकारी आंकड़ा है। लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और वेव 4 को लागू कर दिया गया है। दिल्ली में तमाम जो पाबंदियां हैं, चाहे निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक है, जो गाड़ियां हैं डीजल वाली गाड़ियां हैं उनको पूरी तरीके से दिल्ली में उनकी एंट्री बैन रहेगी। जो जरूरी सामान लेके ट्रक दिल्ली जा सकते हैं, तो तमाम जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली सरकार लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली सरकार सख्ती भी अब दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ग्रेव 4 लागू हो गया है। ऐसे में एक सुझाव है कि जो 50% कर्मचारी हैं वो घर से ही कहीं ना काम करें, अपने व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो डीजल है, जो सर्वे अभी कुछ दिनों पहले जो कमेटी दिल्ली सरकार ने बनाई थी कि आखिरकार पोल्यूशन किस कारण से हो रहा है, क्या मुख्या वजह पराली है या फिर दिल्ली में जो वाहन है उनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो एक सुझाव दिया गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल लोग करें। जिस तरीके से मेट्रो है, मेट्रो ने अपनी सेवाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की है, यानी कि जो चक्कर है और ज्यादा, दिन में 60 चक्कर एक्स्ट्रा मेट्रो दिल्ली NCR में लगा रही है, ताकि लोग जो अपने प्राइवेट व्हीकल हैं उनको ना लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार भी लगातार अपील कर रही है, पर जिस तरीके की स्थिति बन रही है और लगातार राजनीति देखने को भी मिल रही है, चाहे हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हालात बेहद खराब है। लोग काफी ज्यादा परेशान है, पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि कल जिस तरीके से बात करें, कल भी काफी ज्यादा धुंध सुबह से ही, जो स्मॉग है वो दिल्ली NCR में देखने को मिली थी। और आज सुबह का समय है, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें आसमान में, आप देखिए अभी भी जो हल्की स्मॉग है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही अंधेरा दिल्ली की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज सोमवार है। ऐसे में जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं वो जिस तरीके से, चाहे मास्क की बात कर लें या फिर पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बात करें, डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि जिस तरीके से लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो दिल्ली की जो हवा है वो काफी जहरीली हो चुकी है। तो डॉक्टरों ने भी और सरकार भी अपील कर रही है कि मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, क्योंकि जो पोल्यूशन लेवल है वो खतरे से, निशान से कई ज्यादा ऊपर है। इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार पर्याप्त इंतजाम भी कर रही है, लगातार जगह जगह पानी के छिड़काव दिल्ली सरकार कर रही है, और जो भी कोशिशें हैं प्रदूषण रोकने के लिए वो लगातार दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजा, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, और एक और यहाँ पर अहम फैसला दिल्ली सरकार ने लिया, जो प्राइमरी स्कूल्स है उनको बंद करके उनकी जो पढ़ाई है 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक ऑनलाइन कराने का फैसला लिया गया है। इससे क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चों को अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन की वजह से उनको काफी खतरा यहाँ पर सामने आ सकता है। और बिल्कुल देखिए, जो 5वीं तक की कक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद है, और 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन जो क्लासेस है वो चलाई जाएंगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों की जिस तरीके से हम बात करें, जो
हॉस्पिटल्स हैं इसमें बच्चों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, और क्योंकि जिस तरीके से खांसी जुकाम की बात करें क्योंकि पोल्यूशन है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला जरूर लिया है। वहीं ग्रेफ 4 भी लागू कर दिया है। लगातार दिल्ली सरकार सख्ती दिखाते हुए नजर आ रही है, और जिस तरीके से पर्यटन मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने सख्त एक मैसेज भी कल दोपहर के बाद दिया था कि जो लोग ग्रेफ 4 का पालन नहीं करेंगे, यानी कि निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक है, उनकी जो टीम है वो मॉनिटरिंग करेगी, जहां पर इसका पालना नहीं किया जाएगा वहां पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी तरीके से जो गाड़ियां हैं, डीजल वाली गाड़ियां हैं, यदि वो दिल्ली की सड़कों पर दिखेंगी, एक कैटेगरी बना रखी है, उस कैटेगरी की गाड़ी यदि दिल्ली पर दिखेगी तो 20,000 का भारी जुर्माना देना होगा। तो लगातार दिल्ली सरकार सख्ती के साथ साथ कदम भी उठा रही है और कोशिश कर रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको खत्म किया जाए। जी चलिए राजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए। और अगर अब बात दिल्ली के बाद अब बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा में भी पॉल्यूशन से यही हाल है। प्रदूषण से हरियाणा के भी कई शहरों में हालात खराब है। बात सोनीपत की करें, हिसार की करें, रोहतक, बहादुरगढ़, गुरुग्राम समेत कई जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब ये प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी प्रदूषण स्तर जो है, AQI जो है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं टीवी स्क्रीन पर। अंबाला से तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरादाबाद से तस्वीरें देख रहे हैं, नोएडा, मुंबई, गाजियाबाद, दिल्ली और बहादुरगढ़ के साथ ही मथुरा से भी तस्वीर देख रहे हैं आप। देश के कई राज्यों में अब प्रदूषण स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रदूषण आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक सोनीपत से तस्वीरें हैं। सोनीपत और दिल्ली में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों का सांस लेना भी दुर्बर होता जा रहा है। तो चलिए बात करेंगे पंजाब की। प्रदूषण का स्तर पंजाब में भी कुछ ऐसा ही है। पंजाब में भी प्रदूषण को लेकर कुछ ऐसा ही हाल है। पंजाब में लगातार जल रही पराली के चलते वहां की हवा काफी खराब हो गई है। कई शहरों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भटिंडा से। ये तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां दूर दूर तक आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस धुंध ही धुंध दिखाई देगी। तो बहुत ज्यादा गाड़ी चलानी है, वैसे साइड पर कुछ भी नहीं दिखता है, इतना ज्यादा प्रदूषण की आंखों में लगता है। लोग आने जाने में बहुत समस्या होती है यहाँ पर, ये सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आंखों में भी जलन बहुत ज्यादा है। दूसरा रहेगा भी आने जाने में, कोई बच्चे वगैरह है जो गाड़ी पर है, बाइक पर जा रहे हैं, कब मर्जी हादसा हो सकता है। अब ये सरकारों को चाहिए भी इन पर ना पूरा कंट्रोल करके बंद करना चाहिए इनको। कल भी देखा है हमने भी पंजाब में, यहाँ पर वो मुलाजम गए थे SDO वगैरह खेत में हटाने, तो किसानों को रोकने, उन्होंने जबरी उनसे आग लगाई गई है, उनको जबरी उनसे बंदी बना के उनको भी। ये एक सरकार को चाहिए भी इन पर पूरी पाबंदी लगाई जावे, इसको कंट्रोल कराया जावे, ताकि कोई हादसा ना हो सके, कोई दुर्घटना से बच सके, हम तो लोग बच सके जी। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, हम रोजाना सैर करने वाले हैं, रोजाना जाते हैं जोगर पार्क रोज गार्डन, 3-4 दिन से हमने बंद कर रखा है। अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, जलन होती है आंखों में, सांस में लेने में दिक्कत आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं बीमार हो रहे हैं। प्रशासन इसमें कुछ कर तो नहीं सकता, पर प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बाकी सब ठीक है, माहौल खराब ही है सारा, पोल्यूशन